वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। आज शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी पर आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि हम हर शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी के माध्यम से ज्योतिष की कुछ चर्चा करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम कुंडली की विवेचना करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव की चर्चा कर ली है। आज अगला भाव अर्थात चतुर्थ भाव की हम चर्चा करेंगे, फोर्थ हाउस की चर्चा करेंगे। चतुर्थ भाव क्या बताता है, चतुर्थ भाव से हमको क्या जानकारी मिलती है, चतुर्थ भाव के फल कैसे हैं, क्या हमको सीख मिलती है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है, इन्हीं बातों का विश्लेषण हम उस भाव में स्थित अर्थात चतुर्थ भाव में जो जो राशियां स्थित होंगी उन राशियों का मिलान करके विवेचन करेंगे, उन राशियों के स्वामी अर्थात ग्रहों की विवेचना करेंगे, राहु केतु का प्रभाव भी जानेंगे और विशिष्ट फलों की भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी मित्रों का स्वागत है। आपको कुछ हो सकता है अटपटा सा लग रहा हो, माथे पर तिलक नहीं दिखता हो या जो रेगुलर बेस दिखता था मेरे स्टूडियो का वो नहीं दिखता हो। जी मित्रों, आपने सही पहचाना, मैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में हूँ और वहीं होटल से ही आपके सम्मुख लाइव बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम चतुर्थ भाव की गणना करें, चतुर्थ भाव की जानकारी लें, उसकी व्याख्या करें। चतुर्थ भाव क्या बताते हैं, हमको क्या सीख चतुर्थ भाव से मिलती है। चतुर्थ भाव माता का भाव तो है, सुख का भाव तो है। जो मूवेबल जितना हमारे पास धन है, चल संपत्ति है, वह भी चतुर्थ भाव ही बताते हैं। और उसी चतुर्थ भाव से जब हम सुख देख रहे हैं तो दुख भी तो वही देगा, कष्ट भी तो वही देगा, उसी संपत्ति से हानि भी तो वो देगा। माता का सुख तो माता को कष्ट, माता का कष्ट माता के द्वारा कष्ट, या उस जातक के द्वारा माता को परेशानी भी वही भाव बताएगा। अब आप जानते हैं चतुर्थ भाव के कारक क्या हैं। कारक तो चंद्रमा है। और चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, चंद्रमा का स्वभाव अस्थिर है, चंचल है, सबसे अधिक तीव्र गति से चलने वाले ग्रह हैं। तीव्रतम ग्रह चंद्रमा है। तो हम सबसे पहले चंद्रमा की बात अगर करें, चंद्रमा जब अगर स्वराशि के होंगे अर्थात चतुर्थ भाव में कर्क राशि होगी तब तो वह बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन चंद्रमा किसी भी ग्रह का जो उस भाव का कारक हो, वह कारक अगर उसी भाव में स्थित होता है तो कारको भाव नाशाय भी अप्लाई होता है, अर्थात उस भाव के कुफल खराब फल भी जातक जातिका को मिलते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम मेष राशि अगर चतुर्थ भाव में हो तो उसकी व्याख्या करें। मेष राशि चतुर्थ भाव में होगी तो कैसे जातक होंगे। मंगल की राशि है, मेढ़ा मेष का चिन्ह है, ये तो आप जानते ही हैं। अब मेष राशि और मेढ़ा और मंगल तीनों कैसे हैं, मजबूत हैं, नर राशि हैं, पुरुष प्रधान राशि हैं, अग्नि तत्व राशि हैं। तो अर्थात जातक को चतुर्थ भाव से संबंधित मजबूती मिलेगी। मजबूती किसकी, सबसे पहले माँ की, माँ की तरफ से या माँ के आशीर्वाद के रूप में मजबूती। भू भवन जमीन की, मकान की, लग्जरी कंफर्ट्स की भी मजबूती मिलेगी। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति, चल संपत्ति में भी उसको अच्छी पोजीशन होने की उम्मीद है। और मंगल महाराज जो मेष राशि के स्वामी हैं, वो तो भूमि के स्वामी हैं ही,
तो जातक को भूमि मिलने की भी संभावना है। और मजबूती, मजबूती किसी दिल की मजबूती, माँ की मजबूती, मन की मजबूती, तो इन चीज़ों से जातक हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और मजबूत होंगे। आप दूसरी राशि अगर वृषभ राशि ले लेते हैं, टॉरस ले लेते हैं, जिसके स्वामी शुक्र महाराज हैं। अब शुक्र कैसे हैं? शुक्र तो योग भोग कंफर्ट्स के कारक हैं। गौरव खोसला जी का भी स्वागत है, ज्योतिषमूर्ति टीवी का भी स्वागत है। तो हृष्ट पुष्ट जो देने वाले बैल हैं, अर्थात वृषभ राशि जिसके चिन्ह हैं, तो जातक मजबूत तो है, मन से मनसा वाचा कर्मणा मजबूत है, और माँ भी मजबूत है, माँ को भी मजबूती मिल रही, माँ की वजह से उस जातक को भी मजबूती मिलती है। शुक्र तो स्त्रीलिंग हैं, स्त्री तत्व हैं, और मन के अच्छे हैं, भोग विलास वाले हैं, और साथ ही साथ क्या है, वो बहुत ही एडजस्टेबल हैं, मिलनसार हैं। तो जातक मिलनसार होगा, एडजस्टेबल होगा, खुश रहने की उनकी टेंडेंसी होगी, खुशी उनको बारंबार मिलती ही रहेगी। अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि के स्वामी पोई राजकुमार बच्चे बुध महाराज। और बुध का क्या कारकत्व है? बुध का कारकत्व चंचलता, थोड़ा थोड़ा सा प्राप्त करना, थोड़ा थोड़ा भोजन ले लेना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी चीज में खुश हो जाना और थोड़ी चीज में नाराज हो जाना। तुनक मिजाजी भी है और बेचैनी भी है, रो भी देना है, खुश भी हो जाना है, खिलखिला के हंस भी पड़ना है। तो ऐसा जातक वो बुध के कारकत्व लिया रहेगा। मिथुन राशि अर्थात उस जातक जातिका के तन मन शरीर मस्तिष्क में कहीं न कहीं बचपना व्याप्त रहेगा, पूरी जिंदगी उसमें बचपना होगा, इनोसेंसी होगी। अब अगली राशि कर्कट राशि। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, अभी तो बात की हमने चंद्रमा की, चंद्रमा स्वामी और केकड़े की राशि। तो कैसे तो है, मन भी मनसा वाचा कर्मणा, अभी हमने बात की, मन से भी वचन से भी वाणी से भी और कर्मों से भी तेज चलने की प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन चंद्रमा फिर माँ है, माँ क्या उनमें ममता भी होगी, चतुर्थ भाव से संबंधित वो काम को ममता पूर्ण रूप से, ममतामयी रूप से, स्नेहमयी रूप से जरूर करेंगे, और क्या करेंगे, साथ ही साथ प्रसन्न रहने वाले भी होंगे। और चंद्रमा भी जलीय राशि है, जल तत्व है, जल तत्व है, तो एडजस्ट होने की उनमें बहुत ही क्षमता होगी और सारी संपन्नता धन दौलत उनको परिपूर्ण मिलेगा। सिंह राशि अगली राशि जो है, अब सिंह राशि कैसी है? सिंह राशि तो शेर की राशि है, मजबूत राशि है, फिर क्या होगा, शेर का कारकत्व क्या है, डोमिनेटिंग, अर्थात मन से भी मजबूत है और मन से कर्मों से व्यवहार से भोग उपभोग से लग्जरी कंफर्ट्स से सारी चीज़ों से वह मजबूती लिए होंगे। मजबूत चीज ही, मजबूत वस्तु ही वो पसंद करने वाले होंगे। अब अगली राशि कन्या राशि, दो कन्याओं की राशि, दो कन्या कैसे हैं, जातक के मन में अस्थिरता तो रहेगी, अभी थोड़ी बात फिर दूसरी बात, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी बात में खुश, थोड़ी बात में परेशान, कुछ बात अभी कर लेनी, कुछ बात बाद में कर लेनी, धीरे धीरे बात कर देनी, और टू मच टॉकेटिव, बहुत ही बातूनी स्वभाव जातक जातिका का होगा, वो चाहे भोग विलास की बात हो, धन संपत्ति की बात हो, ममता की बात हो, सारी चीज़ें वो अप्स डाउन्स करने वाले होंगे, और इनोसेंसी का लेवल बहुत अधिक होगा, क्योंकि बुध की ही राशि है। अगली बात जो है अब करें, तुला राशि है। तुला राशि तो, तुला तो आप जानते हैं बैलेंस है, ना तोला ना मासा, ना आगे ना पीछे, ना एक mm, एक मिलीमीटर, एक ग्राम, आधा ग्राम, अधिक ना कम, अर्थात बैलेंस रहने की टेंडेंसी। बैलेंस रहने की टेंडेंसी वाले कैसे होते हैं जातक? स्वभाव से न्याय करने वाले, मन से भी न्याय करने वाले, न्यायी स्वभाव, न बेकार का लेंगे न बेकार का देंगे, न अधिक लेंगे न कम लेंगे, लेकिन फिर वो तुला के जो स्वामी हैं वह भी शुक्र महाराज ही हैं, फिर भी मन तो बहुत ही अच्छा सुंदर होगा, साफ दिल के हैं, चेहरा भी साफ दिल का है,
और जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें जो शरीर का अंग हमारा चेस्ट आता है, छाती आती है, वो जिस जो राशि आ रही है उस राशि के स्वामी के अनुसार हम उसकी चेस्ट भी होगी। अर्थात जो तुला राशि के चेस्ट कैसे होंगे, सुकोमल होंगे। अगली राशि मंगल की राशि फिर आ गई, वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में अगर हो तो कैसा होगा, स्वभाव ही छुपा हुआ है। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं तो चेस्ट ही कैसी होगी, उसका शरीर ही कैसा होगा, मस्तिष्क ही, ये मन ही हृदय कैसा होगा, छुपा हुआ होगा, एकदम बताने की टेंडेंसी नहीं। क्या वो चाहते हैं, क्या वो कह रहे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं। बार बार कुछ कह देना, बार बार अस्थिरता रहना या सारी बात अपने में समेटी रहना, यह तो उनका कार्यकत्व है। और जब भी परेशान हो जाएंगे, एक्सट्रीम हो जाएगा, तब बहुत ज़्यादा ब्लास्ट भी कर देंगे, चाहे वो रोगों के रूप में हो, चाहे वो बोलने के रूप में हो, चाहे दिल की बात खोल देने की बात हो, चाहे वो भोग विलास की चीज़ें हों, चाहे लग्जरी कम्फर्ट्स की चीज़ें हों, एकदम बोल देंगे, नहीं तो छुपाए रहते। अगली राशि जो है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का कार्यकत्व तो क्या है, शिक्षा देना, दीक्षा लेना, सही मार्गदर्शन कराना, मार्ग का अनुसरण करना। अगर कोई गलत कर रहा हो उसको कंट्रोल करना, सही रास्ते को बताना, गलत होने पर उसको दंड भी देना, उसको अपराध को क्षमा भी कर देना, उसको अच्छी बातें भी बता देना, उसको सही रास्ते से लेके डूबते हुए को भी गहरे समुद्र से निकाल के बाहर ले आना, ये गुरु का कार्यकत्व तो है। कब किस जातक को क्या मुहूर्त का प्रयोग करना चाहिए वो मुहूर्त भी बताएंगे, कब उसके क्या फल होंगे, क्या होने की संभावना है वह भी बताएंगे, इस करने से हित अहित का भी बताएंगे और अहित को रोकेंगे, हित करने की ओर प्रार्थना प्रेरणा भी देंगे, प्रार्थना भी करवाएंगे। और धनु का कार्यकत्व तो क्या है, बिल्कुल वृश्चिक की तरह नहीं छुपे हुए, साफ दिखने वाले, बिल्कुल अर्जुन की जब बाण लगाए थे उनको केवल और केवल मछली की आंख ही देखती थी, क्यों, लक्ष्य को प्राप्त करना तो चतुर्थ भाव में होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने की बात होगी, उनका मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में सारी बातें अपने गोल की तरफ होंगी, गोल ओरिएंटेशन ऐसे जातक जातिका होते हैं। अगली बात हम मकर राशि की कर लें। मकर राशि कैसे हैं, दुबले पतले, दिल से भी कमज़ोर, चेस्ट से भी कमज़ोर, और शनि की राशि कहीं न कहीं कमजोरी तो है, कहीं न कहीं घबराहट तो है, कहीं न कहीं डिप्रेशन की बात तो है, ये मकर राशि वाले ऐसा उनका स्वभाव होता है। और शनि हैं, शनि लेकिन न्यायप्रिय हैं, दिल से किसी के लिए खोट नहीं रखते, अपने दिल में दिल से किसी के लिए बुरा नहीं करते, ऐसा स्वभाव, ऐसा विचार, ऐसा विचरण वो मकर राशि के चतुर्थ भाव में होने पर होता है। अब अगली राशि कुंभ राशि, कुंभ राशि कैसी है, भले ही शनि की राशि हो लेकिन मकर और कुंभ में बहुत सारा अंतर है। मकर छोटा दिल हमने कहा, क्योंकि दुबला पतला उनका शरीर है, लेकिन मकर वाले कैसे हैं, वो मगरमच्छ हैं, अपॉर्चुनिस्ट भी हैं, धोखे भी दे सकते हैं, लेकिन जो कुंभ है, कुंभ शनि की राशि तो है, लेकिन कुंभ शनि की राशि वाले क्या करते हैं, घड़ा है जो हम बार बार कहते हैं, ऊपर घड़े का मुंह छोटा होता है, नीचे बड़ा उसका आकार, पेट बड़ा, उधर बड़ा हो जाता है, तो बहुत कुछ समा जाने वाले अपने दिल में बहुत कुछ समा जाएंगे, जितनी ज़रूरत हो बूंद बूंद पानी ही उससे निकलता है, आपने कभी सुराही अगर देखी हो, बहुत ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता है, निकलता नहीं है पानी, जितना ज़रूरत हो उतना ही होगा, वेस्ट नहीं करने वाले होंगे, मन से कोई वेस्ट नहीं, भोग विलास में कोई वेस्ट नहीं, लग्जरी कंफर्ट्स में वेस्ट नहीं करने की संभावना होगी। हाँ, न्याय प्रियता तो उनको है ही, क्योंकि न्याय के ही उनके देवता हैं, जो शनि महाराज न्याय के ही देवता हैं। इसी कड़ी में अगली बात जो अब आ गई, मीन राशि, मीन राशि, हम मीन राशि के स्वामी की बात अगर बाद में करें, सबसे पहले मीन राशि की बात करें। मीन राशि क्या है, चंचलता लिए हुए, क्योंकि मीन राशि के जो चिन्ह है मछली है, मछली अनस्टेबल है, बेचैन रहती है और बहुत ही नाजुक है, तो दिल भी नाजुक रहने वाला, नाजुकता की जैसे स्थिति और बेचैनी की भी स्थिति, और अगर जल से निकाल दो मछली को तड़प जाती है, इसलिए मन में भी, हृदय में भी, चेस्ट में भी कोई ऐसी बात आ जाए तो वो वास्तव में क्या होगा, वास्तव में बेचैन हो जाएगा, तड़प जाएगा, ऐसी उनकी कार्यकत्व होता है। हाँ, अब जो गुरु का कार्यकत्व धनु के लिए था, वो कार्यकत्व
इससे भी होगा, इससे भी होगा, अर्थात मीन राशि से भी होगा, अर्थात जातक जाति का न्याय करने वाले होंगे, क्योंकि गुरु भी न्याय के देवता हैं। और साथ ही साथ न्याय करने वाले ही नहीं, साथ ही साथ गाइड करने वाले भी, खुश रखने के लिए रास्ता देने वाले भी, मार्गदर्शन देने वाले भी वो गुरु महाराज होते हैं। मीन राशि ऐसे फल देने वाली होती है। अब इन भावों में अगर जो भी ग्रह बैठे हुए हों, उन ग्रहों के आदत के अनुसार, आकार के अनुसार फल मिलने वाले होते हैं। और इन ग्रहों के तो हम सातों ग्रहों की तो हमने बात कर ली, क्योंकि जो राशियों के स्वामित्व है इन्हीं सातों ग्रहों पर हैं, मेष, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। लेकिन दो और ग्रहों का विचार भी महर्षि पराशर ने बताया है, वह आप ठीक समझ रहे हैं, राहु और केतु। राहु और केतु का विचार क्या होगा? राहु भी प्रभाव छोड़ते हैं, केतु भी प्रभाव छोड़ते हैं। चतुर्थ भाव में राशि अब जो भी हो, अगर राहु बैठे हुए हैं, अकेले हैं, कोई प्रभाव राहु पर नहीं है, तो क्या होगा? मन में भटकाव, दुराव, छुपाव होगा। मन में हमेशा यह उत्कंठा रहेगी कि कैसे मैं ये काम कर लूँ, कैसे ये जीत हासिल कर लूँ, कैसे दूसरे से चीज़ ले लूँ, या कैसे किसी को कुछ देना है उसका इंतजाम कैसे करूँ। मैटेरियलिस्टिक हैं बहुत सी उनकी मन मस्तिष्क में बातें चलती रहती हैं, बेचैनी रहती है, उथल पुथल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और यही अगर केतु बैठे हुए हों बिना किसी प्रभाव के, चतुर्थ भाव में केतु अगर स्थित हो, तो केतु क्या है? सन्यासी हैं, विचारों का धड़ ही धड़ है, सिर तो है नहीं, दिमाग नहीं है। अर्थात ऐसे जातक जाति का बहुत ही अंधता से, बहुत ही तल्लीनता से किसी भी चीज़ का अनुसरण कर लेते हैं। जो बात बैठ जाती है उसको हटाते नहीं, चोट लग गई, हादसा लग गया, किसी इस तरह की बात हो गई तो उसको हटती नहीं बात, और खुशी मिल गई तो खुशी ही रहेगी। सावन को अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखता है, ऐसे ही बात है, ऐसे ही उनका कारकत्व है। हाँ, केतु का काम ढीठ होना भी है, केतु का काम मनमानी करना भी है, तो वह कारकत्व तो होगा ही, वह स्वभाव तो होगा ही। इसी क्रम को हम इस कड़ी को इतनी ही बात करेंगे। बहुत से जातक जाति का हर बार हर शनिवार को अपनी कुछ भविष्यवाणी जानने की कोशिश करते हैं। राजविंदर कौर जी बार बार मेंशन कर रही हैं, दूसरे मित्र भी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं यह बात पूछ सकता हूँ कि आप लोग ये मुफ्त में ही क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं हमेशा अपना नंबर देता हूँ 9818885137, उस पर ये फीस के साथ, शुल्क के साथ सुविधा उपलब्ध है। आज ही अगर आप 9:30 बजे के बाद बात करेंगे, डिटेल देंगे, तो मैं आपको उत्तर दूंगा। नहीं, ये मुफ्त में नहीं है, इसके लिए शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा का ज्ञान प्रचार प्रसार तो ठीक है, लेकिन कोई भी कंसल्टेंसी हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बात करने के बाद मैं आपका संभावना करूंगा, लेकिन उसी काम को करने के लिए आपको शुल्क देना ही होगा, बिना शुल्क के सुविधा नहीं है। बीच में व्यवधान कुछ आ जाता है, फ़ोन आ जाते हैं, तो कभी थोड़ा सा कुछ पलों का डिस्टर्ब हो सकता है। अब आज की बात इतनी ही करें, आप सुखी हों, भगवान सहाय हों, और इस मातृभूमि उत्तराखंड से आपको मैं सभी देवताओं के, देवी देवताओं के आशीर्वाद की कामना करते हुए, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपके कष्टों का निवारण हो, इसी कड़ी को, इसी को ध्यान रखते हुए भगवान परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भागं भवेत्। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की बात, आज की गाथा, आज की कथा हम इतना ही करते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना जरूर चाहता हूँ, ज्योतिषपुंज TV कुरुक्षेत्र जी का आभार, उनको साधुवाद। हर शनिवार के दिन प्रातःकाल उन्होंने यह समय निश्चित किया है, मुझे भी समय दिया है, आपका धन्यवाद, साधुवाद। फिर भी अगर आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, 9818885137 पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क वही सज्जन करें जो फीस भी देने के लिए इच्छुक हों। फ्री में सर्विस नहीं है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आज की गाथा इतनी, कल की मुलाकात आने वाले रविवार को फिर हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।